मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है हिंदुओं के द्वारा। ये जानबूझकर यहाँ पर निर्माण कार्य किया है इसका, ताकि यहाँ पर हिंदू लोग आएं और इस पर कब्जा कर लें। तो ये जो संस्कृति है, कब्जा संस्कृति है, ये जो धर्म है हिंदू धर्म, ये कब्जा धर्म है, ये कब्जा करने वाला का धर्म है। ये मूर्तियों पर कब्जा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीज 24x7 और आज हमें संकिसा जी हाँ एक और बुद्धिस्ट प्लेस, जहां पर कि बौद्ध धर्म का ऐसा स्थान जिसको बुद्ध से जोड़कर देखा जाता है और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा स्थान जहां पर कि प्राचीन तत्व मिलते हैं, प्राचीन जगहें चिन्हित की जाती हैं, वहां पर ASI जो है अपना बोर्ड लगा देती है। और आप यहां भी देख रहे होंगे कि ASI वेलकम्स यू टू हिस्टोरिकल मोनूमेंट ऑफ संकिसा। जी हाँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इस संरक्षित स्मारक के 200 मीटर के विनमित क्षेत्र में हैं। एतद् द्वारा यह जनता के नोटिस में लाया जाता है कि प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष संशोधन तथा विधि मान्यकरण अधिनियम 2010 द्वारा यथाशोधित प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधान के अनुसार इस स्मारक के निषिद्ध क्षेत्र की सीमाओं से 200 मीटर के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, जहां इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई पूर्व अनुमति के पश्चात ही निर्माण किया जा सकता है। यह भी जनता के ध्यान में लाया जाता है कि निषिद्ध क्षेत्र में निर्माण या विनियमित क्षेत्र में पूर्व अनुमति के बिना निर्माण करने से के संबंध में इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर कारावास का दंड दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 2 वर्ष तक कारावास या 1,00,000 रुपये का जुर्माना या दोनों किया जा सकते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर ASI ने जो है साफ साफ ये बोर्ड लगा दिया है कि जो बाउंड्री वॉल है इसके 200 मीटर तक जो है कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। और जो अंदर चीज़ें जो खुदाई में पाई गई हैं, अशोक के जो स्तंभ पाया गया है, शेर पाया गया है, उसको भी छेड़छाड़ नहीं किया सकती है, उसकी सुरक्षा की जाएगी, उसको संरक्षित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग जो हैं इस बात से वाकिफ नहीं है, अनजान है कि यहाँ पर इस जगह का क्या महत्व है। इसीलिए जो है अभी हम आपको दिखाएंगे, देखिए सामने जो है आपको शेर दिखाई दे रहा है जो कि सम्राट अशोक कालीन है, सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ पर बनाए गए थे, लगाए गए थे। और यहाँ पर जो ये लोग आपको दिखाई दे रहे हैं तमाम लोग, जो अभी DJ बज रहा था, DJ पर जो है एक गाना चल रहा था और गाने पर लड़कियाँ नाच रही थी, और उस गाने का धर्म से कोई लेना नहीं है। ये जो जितने भी लोग आए हैं इनका धर्म से कोई लेना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए ये लोग आते हैं। और यहाँ पर आज पूछा इन लोगों से कि आज क्या बात है, इतना बड़ा मेला सा लग रहा है यहाँ पर जो है, तो बोलते हैं कि यहाँ पर आज पंचमी है, पंचमी का त्यौहार मना रहे हैं। तो इन्होंने जो है कुछ ना कुछ गढ़कर जो है किसी न किसी बात से ये बात को जो है, जो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण स्थान है इसको जो है भटकाने का काम किया है, इसकी दिशा को कहीं और ले आने का काम किया है। यहाँ पर देखेंगे प्राचीन काल में जो है जो मंदिर जो पाया गया, भगवान बुद्ध का मंदिर है, चिन्हित है, संरक्षित है, और आप देख सकते हैं कि प्राचीन मंदिर है ये जो है। यहाँ पर भगवान बुद्ध का मंदिर है और इधर जो है जो इतनी भीड़ जो दिखाई दे रही है इसका बौद्ध धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि कहें कि भगवान बुद्ध के सिद्धांतों से कोई लेना नहीं है। भगवान बुद्ध के सिद्धांतों के विपरीत चलने वाली जनता है भगवान बुद्ध। जहाँ संयम की बात करते हैं, इंद्रिय संयम की बात करते हैं, वहीं पर यह जनता जो है मनोरंजन में लगी हुई जनता, इंद्रियों का काम भोग में लगी हुई जनता, इसका जो है भगवान बुद्ध के धम्म से कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है। जब भगवान बुद्ध के धम्म से कोई नाता नहीं है तो भगवान बुद्ध का क्या महत्व समझेंगे और कैसे ये भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ों का संरक्षण कर पाएंगे। यहाँ पर बोर्ड तो लगा दिया है सरकार के द्वारा, ASI के द्वारा, कि इस जगह को संरक्षित किया जाता है, लेकिन क्या वास्तव में सरकार जो है इस जगह के संरक्षण में अपनी ईमानदारी की नीयत, नेक नीयत दिखा रही है। ये आप देख सकते हैं कि ये वो स्थान है जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया और इसको जो है सरकार द्वारा ASI द्वारा संरक्षित किया गया है, इसी का बोर्ड लगाया हुआ बाहर। इसके अलावा जो है
एक स्तूप भी पाया गया है जो कि आपको दिखाएंगे। अब आपको लेकर चलता हूँ इस तरफ जहाँ पर कि स्तूप पाया गया है और आप स्तूप के अवशेष देख सकते हैं। वहाँ पर जो है ईंटें निकली हैं और ईंटों से बना हुआ ये स्तूप जो है आज किस अवस्था में पहुँच गया है। इस जगह को ASI ने संरक्षित किया है, सुरक्षित किया है, लेकिन किस तरह की सुरक्षा इस जगह को प्रदान की जा रही है। देखिए, जब हम पिछली बार आए थे तो ये रास्ता नहीं बना हुआ था, लेकिन अब जो है ये रास्ता अच्छा कर दिया गया, बना दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो विडम्बना की बात है वो है इस स्तूप की। इस स्तूप को देखकर जो है मुझे पिछली बार भी दुख हुआ था और आज भी बहुत दुख हो रहा है कि ये स्तूप यथास्थिति उसी स्थिति में है, बल्कि इसको जो है नष्ट करने का काम किया जा रहा है। इसको सुरक्षित कर दिया गया ASI के द्वारा, सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी वो सुरक्षा अभी तक इस स्तूप को नहीं मिल पाई है। और मैं आपको जो है इस स्तूप को जो है किस प्रकार से सुरक्षित किया गया, किस प्रकार संरक्षण प्रदान किया गया, मैं आपको जो है यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है इस स्तूप के नीचे जो है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ उसको जो है कि संरक्षित स्मारक। यह स्मारक प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुँचाता है, नष्ट करता है, विलगत कुरूप करता, खतरे में डालता या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे इस अपकृत्य के लिए प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष संशोधन तथा विधि मान्यकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 2 वर्ष का कारावास या 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, अवशेष नियम 1959 के उपनियम 32 तथा 1992 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत संरक्षित सीमा से 100 मीटर के भीतर का क्षेत्र प्रतिसिद्ध घोषित है, जिसमें किसी भी प्रकार के निर्माण खनन की अनुमति नहीं है तथा इसके आगे 200 मीटर तक का क्षेत्र विनियमित घोषित है, जहां भवनों की मरम्मत, परिवर्तन तथा निर्माण नवनिर्माण सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति से ही किया जाता है। तो साथियों, ये जो है प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है, संरक्षित स्मारक है, यानी कि सरकार ने जो है इसको संरक्षित किया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर संरक्षण की व्यवस्था है तो यहाँ पर जो है ऐसा कौन सा उपाय संरक्षण के लिए सरकार ने किया है। देखिए, ये रास्ता आप देख रहे होंगे, ये रास्ता जो है किस बदाली में है और ये स्तूप है, ये आप देखें, ये स्तूप है, ये ईंटें जो है प्राचीन कालीन ईंटें हैं। इस स्तूप पर जो है ये लोग जो है इस ऊपर मंदिर बना रखा है और वहाँ पर चढ़कर जाते हैं, चढ़कर जा रहे हैं। जब ये चढ़कर लगातार इस पर जाएंगे तो ये नष्ट हो जाएगा। इसको नष्ट होने से बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी, कौन से वे अधिकारी हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और क्यों वे अधिकारी जो है इस स्तूप पर जो लोग चढ़कर जा रहे हैं, या तो यदि ये भी सुनने में आया है कि ये जो स्तूप है डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड मतलब कि ये हिंदू संपदा है या बौद्ध संपदा है, इसका निर्णय होना अभी बाकी है। चलिए मान लेते हैं कि इसका निर्णय होना अभी बाकी है, लेकिन इससे एक सवाल तो ये उठता ही है, बड़ा लाजमी सवाल है कि इस स्तूप को बचाने के लिए कम से कम यहाँ से एक कृत्रिम सीढ़ियों का जो है निर्माण कराया जा सकता था, जिससे कि ये जो स्तूप है उसको छूता नहीं, उससे अलग रहता और जो ये जो श्रद्धालु लोग जो हैं, हिंदू श्रद्धालु लोग, उनका भी जो मन जो करता है ये मंदिर में आने का, उनकी भी मनोकामना पूरी होती और यहाँ पर इस स्तूप को भी संरक्षित किया जाता। लेकिन ये हिंदू मनोदशा है तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये स्तूप जो है इतनी बुरी अवस्था में पहुँच चुका है कि अब धीरे धीरे ये जो है नष्ट होने के कगार पर है, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी, किसी भी सरकार के महकमे का इस तरफ ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया है। और ये देखिए, यहाँ पर जो है धर्म के नाम पर पाखंड, अंधविश्वास और क्या से क्या हो रहा है, तबला बजाया जा रहा है, ढोल बजाए जा रहे हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं और नृत्य हो रहा है। ये देखिए, ये धार्मिक अनुष्ठान है, धर्म है, ये धर्म के नाम पर क्या है, धर्म क्या होता है इन लोगों को नहीं पता है। धर्म के नाम पर पाखंड, अंधविश्वास का बोलबाला हो रहा है। मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है हिंदुओं के द्वारा, ये जानबूझकर यहाँ पर निर्माण कार्य किया है इसका, ताकि यहाँ पर हिंदू लोग आएं और इस पर कब्जा कर लें। तो ये जो संस्कृति है कब्जा संस्कृति है, ये जो धर्म है हिंदू धर्म, ये कब्जा धर्म है, ये कब्जा करने वाला का धर्म है, ये मूर्तियों पर कब्जा करते हैं।
आपको दिखाई दे रहे होंगे। कहने के लिए भगवा धर्म है, और ये जो भगवा पहनकर किस तरह से डांस कर रहे हैं यहाँ पर जो है, तो आइए कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं। यहाँ पर बच्चे हैं। बेटा कहाँ से आए हो? मैनपुरी से। क्या नाम है? नीलम। नीलम, अरे वाह, इनका भी नाम नीलम है। चलो ये बताओ कि ये जो जगह है इसका क्या नाम है? संकिसा। संकिसा, संकिसा जो है पूरी दुनिया में किस लिए रहता है? इधर आओ, आगे आओ। संकिसा पूरी दुनिया में किस लिए रहता है? नहीं मालूम। यहाँ आसपास जो है आपको बोर्ड लगे हुए दिखाई नहीं दिए? बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, बुद्ध की नगरी की वजह से। बुद्ध के धर्म की वजह से ना। तो ये मंदिर क्या बौद्ध धर्म का है? विसारी देवी का, प्रसाद देवी का। तो ये जो स्थान है ये आपको मालूम है कि ये सरकार के द्वारा संरक्षित किया गया है? ये स्तूप के ऊपर चढ़कर आना मना है, पता है आपको? हाँ। कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ तो नहीं, मतलब वैसे तो मना है। इस स्तूप के नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है, पढ़कर आए उसको? नहीं नहीं पढ़कर आए। क्यों नहीं पढ़ा? पड़े ध्यान नहीं गया। अच्छा ये जो नाच गाना कर रहे हैं क्या ये धर्म है क्या? पता नहीं। देखिए ये बच्चे हैं, धर्म क्या है इनको नहीं मालूम है। ये संकिसा किस लिए आते हैं? बुद्ध धर्म की पहचान की वजह से। बुद्ध धर्म की पहचान है। और ये क्या हो रहा है? ये मोहावर होता है बच्चों का। अच्छा अच्छा, तो ये जो मंदिर है ये तो बौद्ध धर्म का नहीं है? नहीं है। ये मंदिर यहाँ पे कैसा है? स्तूप तो बौद्ध धर्म का है। रहते ही नहीं है तो हम लोगों को क्या पता। ये लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं और सही कह रहे हैं कि इनको क्या पता। लेकिन फिर भी आप लोगों को नीचे जो बोर्ड लगा हुआ है, एक बोर्ड बाहर लगा हुआ है, सरकार ने लगाया है ना, प्राचीन स्मारक है। और जो प्राचीन चीज़ें होती हैं वो संरक्षित की गई हैं। तो जो प्राचीन चीज़ संरक्षित की जाती हैं उसमें हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनको बचाएं, है ना। चलिए आप लोग जो है मुझे लगता है कि बहुत जागरूक लोग हैं, और आप आगे से जो है उस बोर्ड को पढ़कर जो है ये बचाने का प्रयास करेंगे। ये स्तूप जो है बहुत प्राचीन है, सम्राट अशोक के टाइम का स्तूप है। अच्छा ये बताइए, भारत को पूरी दुनिया में कौन से धर्म के लोग जानते हैं? सनातन धर्म। अच्छा अच्छा, ये बताइए भैया जी, आप कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में सनातन धर्म की वजह से जो है भारत को जानते हैं। मुझे सनातन धर्म का कोई ऐसा मंदिर बताइए जिसके चारों ओर पूरी दुनिया के देशों ने आके मंदिर बनाए हो। सबसे पहला हमारा रिडीवल्स में मंदिर है, वो तो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है रिडीवल्स की बात में, फर्स्ट नंबर पे। कितने देशों ने आके अपने मंदिर बनाए वहाँ पर? हमको इतनी बारी यार की नहीं, वेल्स ने जानकारी नहीं। देखिए जानकारी नहीं है, रुकिए रुकिए, आराम से बात कीजिए, आराम। जानकारी नहीं है लेकिन मैं आपके बता दूँ कि भगवान बुद्ध के जितने भी स्थान हैं, जितने भी चिन्हित स्थान हैं, वहाँ पर पूरी दुनिया से लोगों ने आकर अपने अपने देशों के बुद्ध विहार बनाए, पता है ना आपको? हाँ। तो और जब यहाँ से जो है भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बाहर जाते हैं, योगी जी जो है, नीता अंबानी जब बाहर जाती हैं, तो बाहर जाकर जो है वो बोलती हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, ऐसा ही है ना? नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी, सुनिए सुनिए, जब भी प्रधानमंत्री या फिर यहाँ के मुख्यमंत्री या नीता अंबानी या कोई भी मतलब प्रेस्टीजियस पर्सन यहाँ से जाता है, तो वो बाहर जाकर जो है ये बोलते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। ये गलत बात है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म हमारा, ये सनातन धर्म को जानते हैं इस बात के। ये बताइए कि सनातन धर्म का सिद्धांत क्या है? सनातन धर्म का सिद्धांत ये हमारा जो जो भी है हमारा जो हमारा जो हिंदू धर्म है ये सबसे पहले है। नहीं, ये सिद्धांत नहीं है, हिंदू धर्म का सिद्धांत बताइए कि किस बात के लिए हिंदू धर्म जाना जाता है? सिद्धांत क्या है कि जिससे कि जीवन में कुछ बदलाव आए, जीवन जीने में लोगों को आसानी हो। धर्म का मतलब क्या है कि लोगों के जीवन को कुछ रेगुलेट करे, यही तो मतलब है ना? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं नहीं है। हम लोग यहाँ पर थोड़े अपने प्रोग्राम के बारे में आए हुए थे, हमारा इस बात का प्रोग्राम हो चुका है। देखिए धर्म की जानकारी नहीं है। आपने हिंदुओं का कौन सा धर्म ग्रंथ पढ़ा है? सनातन धर्म। अच्छा, कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा है, अध्ययन नहीं किया गया है, केवल एक ही। हाँ आप बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? धर्म वर्म क्यों नहीं? कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ा गया है, कोई अध्ययन नहीं किया गया है, केवल एक ही रट है कि हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म। हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि
आपका हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन हम सिर्फ इतनी बात पूछ रहे हैं कि आपने क्या अध्ययन किया है, क्या तत्व हैं, उसकी विशेषता क्या है, ये पता होना चाहिए हर किसी को। जो है अगर मैं अपने आपको बौद्ध कहता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म तत्व क्या है। अगर मैं अपने हिंदू धर्म का कह रहा हूँ तो मुझे हिंदू धर्म को पता होना चाहिए, अध्ययन किया जाना चाहिए। तो साथियों बस इतना ही, और देखिए यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है आप लोगों के सामने हो रहा है सब कुछ है, ये सभी लोग जो है भारत के वासी हैं, इन सभी लोगों को जो है भारत में पूरी दुनिया में मान सम्मान मिलता है, और जब भी ये लोग भारत जाएंगे विदेश में जाएंगे तो इनको किस वजह से मान सम्मान मिलेगा वो आप समझ सकते हैं। जय भीम होता है।